नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंडियन नेवी SSR AA के 18 सितंबर को तीनों शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चंस के। दोस्तों कुल यहां पर मैं आपके लिए लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके SSR AA के 18 सितंबर की तीनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। विद सोल्यूशन मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में दिख रहे घंटी के आइकन को भी दबा लीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास आता है, कहता है कि राज्य व लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती हैं। तो दोस्तों राज्य व लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती हैं, आप सभी को पता है जो लोकसभा होती है उसमें अधिकतम जो है 545 सीटें और राज्यसभा में अधिकतम जो है 245 सीटें होती हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस रेजिमेंट को सबसे ज़्यादा बार जो है परमवीर चक्र मिल चुका है, तो ग्रेनेडियर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में विद्युत शक्ति बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। यानी आपको पता है दोस्तों, भारत में जो बिजली है उसकी आपूर्ति सबसे ज़्यादा किसके द्वारा बनी हुई जो है बिजली से होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट। यानी जो तापीय जो प्लांट होते हैं उनसे जो ऊर्जा बनती है वो जो है भारत में बनने वाली ऊर्जा का जो है लगभग दोस्तों 65% है। तो जो मेन सोर्स है इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बनाने का वो है थर्मल पावर प्लांट्स। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था, जम्मू व कश्मीर का लोक नृत्य क्या है। जम्मू व कश्मीर का लोक नृत्य क्या है, तो धमाल जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारतीय नौसेना की कप्तान रैंक भारतीय थल सेना में किस रैंक के समतुल्य होती है। भारतीय नौसेना की कप्तान रैंक भारतीय थल सेना में किस रैंक के समतुल्य होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलोनल। कोलोनल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता था दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे संबंधित है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट फैलाती है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, तो यहाँ पर गलती से लिखा गया दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा अफगानी रुपया होगा। अफगानी रुपया जो है अफगानिस्तान की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों, नंदा देवी उद्यान किस राज्य में है। नंदा देवी उद्यान किस राज्य में है, तो आप सभी को पता होना चाहिए उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ओमान की राजधानी है, तो मस्कट जो है ओमान की राजधानी है, और मस्कट किसकी राजधानी है, ये इन दोनों में से एक को पूछा गया था दोस्तों। तो मस्कट किसकी राजधानी है, ओमान की राजधानी मस्कट है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, UTI की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UTI, तो UTI की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दोस्तों UTI की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किन तरंगों का होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य यानी जो वेवलेंथ होती है दोस्तों सबसे कम, वो किसकी होती है, तो गामा रेज की होती है, क्योंकि गामा रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 2018 नवंबर में किस बैंक ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था, तो RBI जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, चीन ने किस देश के साथ परमाणु समझौता किया है। चीन ने परमाणु समझौता किस देश से किया है, तो ईरान दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आता है, EDI की फुल फॉर्म आपसे पूछी थी, EDI की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इज द फुल फॉर्म ऑफ EDI। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, लाइबेरिया की राजधानी क्या है, तो मोनरोविया जो है लाइबेरिया की राजधानी है। मोनरोविया इज द कैपिटल ऑफ लाइबेरिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जिससे आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। केवल और केवल वही कैंडिडेट ज्वाइन कीजिएगा जिनका कल परसों या फिर उससे अगले दिन इंडियन नेवी MR का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों वही कैंडिडेट्स ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उस ग्रुप में केवल MR से रिलेटेड ही आपको जो है कंटेंट या फिर जो है एग्ज़ाम के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था जो है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो जकार्ता आप सभी को पता है कैपिटल है इंडोनेशिया की। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था सिनोनियम अबंडन का जो सिनोनियम होता है वो अबंडन का मीनिंग दोस्तों होता है प्रचुर, और प्रचुर के अकॉर्डिंग दोस्तों आप अबंडन का सिनोनियम लगा सकते हैं।
अगला जो क्वेश्चन था दोस्तों, मैलो का सिनोनियम आपसे पूछा था, तो मैलो का जो मतलब होता है वो मधुर होता है, और इसके अकॉर्डिंग आप जो इसका सिनोनियम लगा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें आपसे फ्यूरी का सिनोनियम पूछा था, तो फ्यूरी का जो मतलब होता है वो रोष यानी गुस्सा होता है, इसके अकॉर्डिंग आप जो है इसका सिनोनियम चुन सकते हैं। इसके अपोजिट इसका जो सेम मीनिंग बने दोस्तों, जिसमें गुस्सा रोष हो वही इसका सिनोनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पैसिव फॉर्म पूछी गई थी किसकी, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स ये सेंटेंस था, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना था, तो इसका पैसिव हो जाएगा आवर एल्डर्स मस्ट बी ओबेड बाय अस, आवर एल्डर्स मस्ट बी ओबेड बाय अस जो है इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपसे नरेशन पूछी थी, डोना सेड आई लव इंडियन फूड, डोना सेड कोमा नोटेड कोमाज आई लव इंडियन फूड, तो इसका इंडायरेक्ट जो बनेगा वो बनेगा डोना सेड डैट शी लव्स इंडियन फूड, तो ये जो है इसका नरेशन चेंज होगा। उसके बाद दोस्तों आपसे स्टर्न का एंटोनियम पूछा था, तो स्टर्न का जो मीनिंग होता है वो होता है कठोर, और जो दोस्तों आपका सॉफ्टनेस की फीलिंग दे वो इसका एंटोनियम हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों, नोड और एंटी नोड के बीच कितना फेज डिफरेंस होता है, तो 90 इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोड और एंटी नोड के बीच जो है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों 2019 का ब्लाइंड कप चैंपियन कौन था, हु इज़ द विनर ऑफ ब्लाइंड कप 2019, तो भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हु इन्वेंटेड माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी, तो टेंड होफ इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, टेंड होफ। अगला क्वेश्चन कहता है नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है, तो दोस्तों कृष्णा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन परियोजना है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्यूबा देश की राजधानी आपसे पूछी थी, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ क्यूबा, तो हवाना इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्यूबा की राजधानी हवाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो विजय रूपानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था दोस्तों, क्रोएशिया देश की मुद्रा क्या है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ क्रोएशिया, तो क्रोएशिया की जो मुद्रा है दोस्तों वो है क्रोएशियन कुना, क्रोएशियन कुना दोस्तों क्रोएशिया देश की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन में आपसे आईएफएससी का फुल फॉर्म पूछा था, तो आईएफएससी दोस्तों आप जो है आपकी पासबुक पर भी होता है, आईएफएससी कोड एक ब्रांच का स्पेसिफिक कोड होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आर्टिकल 124 इज़ रिलेटेड विद, आर्टिकल 124 का संबंध दोस्तों भारत के सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अलबुरिन केम इन इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो गजनी के मोहम्मद के साथ दोस्तों जो है अलबुरिन भारत आया था, यानी जब गजनी ने जो है भारत पर आक्रमण किए थे उस टाइम पर दोस्तों अलबुरिन जो है महमूद के साथ जो है भारत आया था। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, मिजो इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, मिजो किस राज्य की भाषा है, तो मिजो दोस्तों मिजोरम राज्य में बोली जाती है, तो मिजोरम राज्य में बोली जाने वाली भाषा है मिजो। अगला क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग से है, 3, 7 और 15 और उसके बाद आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो 3 × 2 + 1 7 × 2 + 1 15 × 2 + 1 तो यहाँ पर 31 जो है आपका आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आईएफएससी की फुल फॉर्म आपकी मैंने अभी भी बताई है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, विच स्टेट इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, दोस्तों उसमें जो है कर्नाटका नहीं दिया हुआ था जहाँ तक मेरा अनुमान है, कंडेक्स ने बताया है, लेकिन दोस्तों अगर आपका कर्नाटका हो तो कर्नाटका भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी केरला भी दोस्तों आपका जो है रबर प्रोड्यूसर स्टेट है। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों आपसे, सेल की फुल फॉर्म SAIL यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है सेल की फुल फॉर्म होती है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे लिनक्स का फुल फॉर्म पूछा था, सॉरी लिनक्स क्या है ये पूछा था, व्हाट इज लिनक्स, तो दोस्तों जो लिनक्स होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस प्रकार विंडोज है और जिस प्रकार दोस्तों आपका जो है डोस है उसी प्रकार जो है लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे STD की फुल फॉर्म पूछी थी, STD यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग दोस्तों STD की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद दोस्तों आपसे ZIP की फुल फॉर्म पूछी थी, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जोनल इंप्रूवमेंट प्लान।
पहचान और पिन की भी फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है पिन की और जोनल इंप्रूवमेंट प्लान जो है जिप की फुल फॉर्म होती है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे बेल्जियम की जो है मुद्रा पूछी थी, व्हाट इज द करेंसी ऑफ बेल्जियम, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स यहाँ पर दोस्तों बेल्जियम की जो मुद्रा होगी वो होगी ऑफ यूरो, यूरो दोस्तों बेल्जियम की मुद्रा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों, व्हेन वाज अर्जुन अवार्ड स्टार्टेड, अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुए, तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो है खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हु इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे पास आता है वो आता है, रानी की वाव कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा था जो है यहाँ पर वुमेन स्पेशल टास्क फोर्स जो है किस राज्य ने बनाई है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा दोस्तों वो पूछा था, टाइम पीरियड ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके इंडियन नेवी SSR AA के 18 सितंबर की तीनों शिफ्ट के। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम जो है 19, 20 और 21 को है, केवल और केवल MR कैंडिडेट ही ज्वाइन कीजिए दोस्तों, MR का एग्जाम वाले कैंडिडेट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उन्हीं के लिए जो है खास तौर पर वो ग्रुप बनाया गया है। बाकी दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।